दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने की एक सिंपल सी प्रोसेस बताएंगे जिसमें आप एक मिनट से कम समय में भी आप अपने आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एंजल वन एप्लीकेशन पे आना है। एंजल वन एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको आईपीओ के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि एंजल वन एप्लीकेशन में आपको सेम विंडो पर सारे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर काम करना काफ़ी ईजी काफ़ी आसान है। तो हम जैसे आईपीओ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो अभी हाल ही में आईपीओ आए हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आईपीओ अभी आए हैं, जैसे कि सोटेक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का आईपीओ आया है, एस्कॉन इवेंट मीडिया सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है, और इन्फिनियम फार्मास सेम का आईपीओ यहाँ पे आया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस समय इन्फिनियम फार्मासेम लिमिटेड के एसएमई आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस समय बिडिंग क्लोजिंग होने के लिए 4 डेज बचे हुए हैं, मतलब कि हम 4 दिनों के अंदर इसके अंदर बिडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आईपीओ में अगर आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको जो मैक्सिमम लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाने होंगे, ये 1 लॉट के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने होंगे। और इसके लिए जो प्राइस बैंड सेट किया है, ये 135 का प्राइस बैंड सेट किया है। और अगर आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 135,000 का करना है। इस आईपीओ में आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलने वाला है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 25.26 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस आईपीओ का हम ARQ आईपीओ प्रेडिक्शन पे देखते हैं सेकंड डे में। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आईपीओ जो है 0.08 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। एंजल वन का इसमें कोई भी तरह से किसी भी प्रकार का व्यू इस आईपीओ में दिया नहीं गया है। इसके साथ ही अगर आप आईपीओ का के बारे में अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको और जानकारी मिल जाती है कि आईपीओ जो ओपन हुआ है ये 31 मार्च 2023 से ओपन हुआ है, या आईपीओ 5 अप्रैल 2023 को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ का जिसका अलॉटमेंट जो है ये 11 अप्रैल 2023 को कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 17 अप्रैल 2023 को एसएमई प्लेटफॉर्म पे होती हुई नज़र आएंगी। इस कंपनी की कुछ जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, कंपनी का ऑर्डर किस कंपनी से मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ ही इस आईपीओ में अगर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट, आपको यहाँ पे 3 पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं और साथ ही आपको यहाँ पे 3 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। इन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों पॉइंट को आपको एनालिसिस करने के आधार पर आप यहाँ पर आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में अप्लाई नाउ की बटन देखने को मिलेंगी, इस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 1 मेंशन करना है क्योंकि हम यहाँ पे 1 लॉट में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। एंजल वन में अगर आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपको लॉट का जो साइज़ है यहाँ पे 1000 ना लिख के सिर्फ ऑनली 1 लिख के आप यहाँ पे 1 लॉट में ऑर्डर लगा सकते हैं। 1 लॉट में यहाँ पे 1000 शेयर आने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्राइस को कोई भी चेंज नहीं करना है। इन्वेस्टर टाइप आपको रिटेल ही रखना है। डीमैट अकाउंट नंबर आपको आपकी प्रोफाइल से मिल जाएगा, जिसे हम DPID भी कहते हैं। वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एप्लीकेशन में अपनी प्रोफाइल पे आना है और वहाँ पे आपको आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर मिलेगा, उसमें आपको कॉल करके आप अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपना UPI ID, आप जो भी UPI ID मेंशन करना चाहते हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम पे, गूगल पे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको जो अमाउंट लगेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यह अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में आपको रखना होगा, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि आपको जो भी फंड ब्लॉक होता है आईपीओ में आपका सेविंग अकाउंट से ब्लॉक होता है। इसके बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होता है। हम यहाँ पर अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कन्फर्म यूआर बिट का एक ऑर्डर आता है। हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारा ऑर्डर यहाँ पर प्रोसीड प्लेस हो जाता है। अब हमें व्यू ऑर्डर स्टेटस पर आना होता है। जैसे हम यहाँ पे व्यू ऑर्डर स्टेटस पे आते हैं तो हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इस टाइप का मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि टू कंप्लीट यूअर आईपीओ एप्लीकेशन अप्रूव द पेमेंट मैंडेट ऑन यूअर UPI ऐप बिफोर 5 PM ऑन 5 अप्रैल। तो मतलब कि आईपीओ का जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, उस ड्यूरेशन से पहले पहले आपको अपना मैंडेट को कम्प्लीट करना होता है। अगर आप अपने UPI मोड पे आके उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपका आईपीओ का एप्लीकेशन आपका नहीं लगेगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको UPI पे जो लिंक गया है उसको आपको सक्सेसफुल तरीके से आपको वेरीफाई करना होता है। तो इतना ईजी इतना आसान हो जाता है एंजल वन एप्लीकेशन में आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना। जैसे आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है
तो आपका जो फंड ब्लॉक हुआ था उसके बदले में आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो आपका फंड ब्लॉक हुआ है वह फंड आपके सेविंग अकाउंट में उसी तारीख को रिलीफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों इतना ईजी इतना आसान होता है एंजलवन एप्लीकेशन में किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट एंजलवन में ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 ईयर का एंट्री चार्जेस जो है ये बिल्कुल फ्री मिलता है, साथ ही आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है। तो देखना करें आज अगर डीमैट अकाउंट एंजलवन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विसेज का लाभ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।